यूपी के हाथरस जिले में दलित समाज की बेटी मनीषा भैन के बलात्कारियों को फांसी की सज़ा देने अंबेडकरी मिशन वालों लगाया गया विशाल धरना। इस मौके धरने प्रदर्शनकारियों वालों मोदी ते योगी का पुतला भी फूकया गया। पिछले दिन ही उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में दलित समाज की 19 साल की मनीषा नाल जो चार दिंदिया वालों बलात्कार करने तो बाद उसकी जीभ वड के उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ के उस बेटी मनीषा की बेरहमी नाल हत्या कर दी गई सी, जिसनू लैके पिछले काफ़ी दिनों तो पंजाब तो इलावा वख-वख थावां ते रोष प्रगट किया जा रहा है। इसे तहत जिला नवांशहर ते कस्बा बहराम विच भी अंबेडकर मिशन वालों रोष प्रदर्शन करने तो बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी नाथ का पुतला भी फूकया गया। इस मौके सुखा सिंह आजाद ने मीडिया दसिया कि अज जो दलित समाज की बेटी मनीषा के इंसाफ लई बहराम विच धरना लगाया गया है उसके पिछे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की शह से दोषियों को बचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अज की हर धी फुलन देवी बन के अजे जालमां नूं मूंह तोड़ जवाब देने की लोड़ है। ये जिहड़ी धी दा सामने आया वह कारण की होया, एक तो उस धी ने धी दे नाल जदों होया तो प्रशासन ने रातों रात उन्हूं संस्कार कर दिता भी इहनूं खत्म कर दिता जाए। जदों असीं गुनहगार हाँ इहदा मतलब साडे च गलती है, तुसीं उहनूं छुपाउणा चाहुंदे आ। इह जिहड़े प्रोटेस्ट की लोड़ ही नहीं सी पैणी जे प्रशासन उस वेले उन्हां नूं चौं नूं फड़ के चौंक च गोली मार दिंदा, रीढ़ की हड्डी तोड़ देनी, जीव वड देनी। वो जिहड़े बाद च यह बयान देन जख्मां ते लूण छिड़कण कि साडा खून गर्म आ, मैं पहलां भी कहा सी पे उत्थे दीआं धारणा बहुत तकड़ियां आ। मेरा कुछ स्पीच मेरी इदां दी हुंदी आ पे फूलन देवी दा कईयां नूं शायद नहीं पता, शायद हुण पता लग जावे। खास करके मैं वाल्मीकि भाईचारे नूं दसणा चाहुंदा, मैं मलाह कास्ट दे विच सीगी उह धी, उहने बाई ठाकरे नूं गोली मारी सी। मैं हर एक धी नूं कहिंदा उह किसे कास्ट च भी होवे पे धीए तैनूं लगदा वे मेरे नाल रेप होया मेरा हुण मर जाणा खरा, तूं तां दुनिया तों चल जाणा है, पर मिसाल उदां दी पैदा कर जा कि मुड़ के कोई जरूरत ना करे किसी की धी में हाथ पाउण दे। और तुसी एक बने उन्हूं देवी मानते हो, औरत नूं एक बने पूजा करते हैं, और दूजे बने तुसी आ धियां दा हाल आ करते हैं। ये इंसानियत शर्मसार वा। असी कैंडल मार्च बहुत कटे, पहले मैं दस्यो भाई कैंडल मार्चा ना कदे इंसाफ मिलिया, कैंडल मार्चा की लोड़ क्यों पैंदी है मैनू समझो। जिहड़े जिन्हां दी औलादां ना होण उन्हां नूं दुख नहीं हुंदा, वह सौ चो एक अद्धा ही हुंदा जिन्हूं धी दा दुख होवे। पर मैं इत्थे पंजाब दी धरती चो बगावत उठदी है हुण उठ खड़ी है, जिहड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है उस धी दी खातर, पर जिहड़े साडे हक्कां दे उत्ते होर जुल्म हो रहे आ इह ना समझो कि इह असीं लड़ाई साडी वक्खरी वक्खरी करके सानूं इंसाफ नहीं मिल रहा, पर जिहड़ा उस धी नाल होया इह उहदे करके असीं अज प्रोटेस्ट रखिया। पर मैं प्रोटेस्ट दे विच इक गल क्लीयर कर दिंदा हुंदा कि जदों तुहानूं इह लगदा है पे अग दूर वा तो यह पहला भी वहम सीगा लोगों नूं पे बाबा साहब इकले ने, साहिब कांशी राम जी इकले ने, तुरने वाला इकला ही हुंदा है। असी हाले की समझते हाँ कि वह वाल्मीकि समाज की धी है, वह रविदासी समाज की धी है, ये किसे समाज की है, ये किसी की नहीं, साडी वह बाबा साहब की धी सी। इंसाफ उन्हूं हाले भी बाबा साहब करके मिलना, क्योंकि संविधान ही उन्हूं इंसाफ दवाऊगा। जां फिर जे इन्हां ने आह हरकतां नहीं छड्डियां, जिहड़ा इन्हां दा ठाकरपुणा आ ना, मैं दावा करदा जे कोई सुणदा आ पंजाब च हुशियारपुर जिले नूं मैं बिलोंग करदा, सुखा सिंह मेरा नाम आ, जे वीरो जरूरत हैगी है तुसीं इत्थे टाइम दे के आ जाओ, तुहाडा असीं खून जिहड़ा गर्म हो ना उहनूं ठंडा करके दिखा देवांगे कि ठंडा किद्दां करीदा। पर तुहाडियां धीआं भैणां नाल नहीं, साडे गुरू ने यह गल कही सी कि किसी की धी ते किसी बच्चे ते जुल्म नहीं करना भावें वह दुश्मन की भी होवे, पर तुसीं आप आयो, पर आयो फतेह बुला के। ये जिहड़ा जुल्म हो रहा है ये वीर मेरे उदा नहीं रुकना, यह रुकना उसले आ जिहड़े कां टंग के उत्ते रख दिता। अक लैणे आ तां लड़ना पैणा, थाली च परोस के किसे नहीं देने। बैठा राष्ट्रपति उहदा बेड़ा बह जावे, वह दलित भाईचारे चो हो के वह इंसाफ नहीं करा सकिया। ये जदों भी तशद्दुद हुंदा चाहे काल तख्त ते हमला होया तो ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति सी, अब्दुल कलाम जदों राष्ट्रपति सी तो मुसलमाना ते तशद्दुद होया, और राष्ट्रपति सैन कहते कर रहा तो उधर तशद्दुद कहते हो रहा। इस करके उन्होंने अपने ना समझा करो, वो गुलामां दे गुलाम आ, इन्हां नूं इन्हां दा बाईकाट करो, MLA दे गल च साफा पा लिया करो जदों पिंड आउंदे हुंदे आ, तां तुहाडी आजादी होनी आ, नहीं तो गुलामां दे गुलामां नूं आजादी नहीं मिलनी।